अगर आप भी एक CSE VLE हैं और आप CSE की तरफ से बैंक का काम करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं CSE का एक बहुत ही बड़ा पोर्टल लॉन्च हो गया है। तो इससे पहले अगर आप DGPay इस्तेमाल करते थे तो आपके लिए तो ये वीडियो खास होगा ही, लेकिन अगर आप DGPay इस्तेमाल नहीं करते और आप बैंक का काम करना चाहते हैं, CSE के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो अभी आपको कैश ऑर्डर मनी ट्रांसफर के साथ साथ अकाउंट ओपनिंग का भी सुविधा मिलेगा। साथ ही आपको अपने मोबाइल से माइक्रो ATM जो कनेक्ट करते थे मोबाइल के साथ, वो बहुत दिक्कत होता था, तो अभी आपको मोबाइल से नहीं कंप्यूटर से ही सब कुछ मिलेगा। सो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कौन सा वो CSE का नया पोर्टल है, कैसे आपको एजेंट आईडी के लिए क्रिएट करना है, कैसे आपको रिक्वेस्ट डालना है। चलिए मैं आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको आना है एक वेबसाइट में जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। जैसे आप नीचे वाले पोस्ट पर क्लिक करेंगे, लास्ट सेक्शन में आपको चले जाना है, इंपोर्टेड लिंक्स का एक सेक्शन मिलेगा, वहां पर आपको मिल जाएगा वेबसाइट लिंक। वहां पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस वाले पेज पर आ जाएंगे। ये CSE का ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें CSE के ही DGPay को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया गया है। जो लोग DGPay इस्तेमाल करते थे उनके लिए ही ये पोर्टल है। जो लोग DGPay इस्तेमाल करते हैं वो भी इस पोर्टल को ऑपरेट कर सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी सारा बैंकिंग सर्विस मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पोर्टल है हाल ही में ही लॉन्च हुआ है, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन नहीं दिखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकली सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जैसे वेबसाइट में आ जाएंगे आपको यहाँ पर मिल जाएगा मनी ट्रांसफ़र का ऑप्शन। अगर आपको डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र करना है अपने स्टेट में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने कंट्री में, तो जिसको भी आप मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के जरिए कोई भी कस्टमर के खाते से उसके अंगूठे की मदद से आप पैसे निकाल सकते हैं। माइक्रो ATM का भी आपको यहाँ पर सुविधा मिल जाता है। तो ये सर्विस तो पहले से था ही DGPay में, लेकिन काफ़ी सारा दिक्कत आता था, तो इसीलिए इसे मेरे हिसाब से नया पोर्टल के साथ तब्दील कर दिया है। तो यहाँ पर अपना ID पासवर्ड को डालने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड दिया गया है। अगर आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल गया है तो यहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ऐसी जगह नहीं है कि कहाँ पर साइन अप या फिर क्रिएट एन अकाउंट लिखा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे कि काफ़ी सारे लोगों को DGPay जो चलाते थे जिनका ट्रांजेक्शन अच्छा आता था मेरे हिसाब से, उनको मेल आ रहा है धीरे धीरे, और सभी के अकाउंट में, सभी के जीमेल अकाउंट में जो लिंक है आपके CSE के साथ उसी में मेल आ जाएगा। मेरे पास तो फिलहाल नहीं आया है, लेकिन मेरे एक फ्रेंड के पास आया है, मैं आपको स्क्रीन शॉट में लगा दूंगा। तो इस तरीके का कुछ आपको स्क्रीन शॉट देखने का मिलेगा, वेलकम टू द CSE DGPay फैमिली। अगर आप DGPay इस्तेमाल करते थे तो आपको इस तरीके का मेल आएगा। इसके बाद आपके सामने एंड्रॉयड एप्लीकेशन का और पोर्टल का लिंक मिलेगा, और आप यहां पर देख सकते हैं एक फाइल को भी यहां पर ऐड कर दिया गया है। जैसे आप ID पासवर्ड के साथ लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो सबसे पहला है DMT टुडे, आप आज ने डायरेक्ट मनी ट्रांसफर कितना किए हैं, कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, कितना वैल्यू है, और सर्विस चार्ज कितना होगा आपके सामने मेंशन हुआ रहेगा। इसके बाद APS टुडे, आप कितना कस्टमर का अंगूठे की मदद से पैसे निकाले हैं, कितना पैसा है, कितना ट्रांजेक्शन है, सर्विस चार्ज कितना है, यहाँ पर आपके सामने मेंशन हुआ रहेगा। इसके बाद माइक्रो ATM का भी आपको यहाँ पर डिटेल्स मिल जाएगा, और इंश्योरेंस भी आपने कितना किए हैं यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं अर्निंग बाय आइटम टाइप, रेफर एंड ईयर बोनस, UPI पेमेंट की मदद से भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, और यहाँ पर टुडे कमीशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कितना आपने यहाँ पर आज का कमाई किए हैं। और लेफ्ट में देखिए डैशबोर्ड के साथ सर्विसेज का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर आप मनी ट्रांसफर, APS, MATM कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, वॉलेट का टॉपअप कर सकते हैं। आपका जो ट्रांजेक्शन अमाउंट होगा आपको अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पर क्लिक करके करेंगे। टॉक टू अस, मतलब कि आपको कोई हेल्प चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, नीचे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा हेल्प एंड सपोर्ट का। इसके बाद नीचे देखिए ओपन डीमैट अकाउंट, अगर आप कोई कस्टमर का डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तब भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। और नीचे देखिए एक इंपॉर्टेंट लिंक है KYC, जो कि अभी पेंडिंग है, यहाँ पर क्लिक करके अपना KYC कंप्लीट करके ये सर्विस को फ़ायदा उठा सकते हैं। सो आई होप कि अगर आपको DGPay इस्तेमाल करते थे और DGPay का ये जो नया पोर्टल, इसमें ID लेना है, तो आपको अपने नियरेस्ट DM से संपर्क करना होगा, अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क करना होगा, या फिर ऑटोमेटिकली आपका पास मेल आता है तो बहुत बढ़िया। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय।